evening, ISB. It's absolutely splendid to have such a raging, rocking audience. We're really glad to be out here with you. It's a bit late. We realize it's a delayed flight, but thank you all for being here and thank you for filling the auditorium like you have. Let's get this going. Nawaz bhai, har subah jab aap uthte hain aur angrai leke bathroom mein jaate hain aur aaina dekhte hain, kabhi kabhi khud ki shakal dekhke vichar aate hain. कहीं ना कहीं भगवान ही होऊंगा मैं एक्टिंग का, क्योंकि बाप का, भाई का, दादा का, गांव का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है आपने. नवाज भाई, हर एक्टर की जर्नी में दो, मतलब हर एक्टर की जिंदगी में दो सफर होते हैं. एक जो खत्म होता है पहली पिक्चर मिलने पर और दूसरा जो शुरू होता है पहली पिक्चर के बाद. आज की ऑडियंस को जरा रूबरू करवा दी, जो आपका पहला सफर रहा है अप टू सरफरोश, जो आपकी पहली पिक्चर थी, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे. सरफरोश से पहले हम लोग दिल्ली से आए थे थिएटर करके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया हमने और उसके बाद चार साल में दिल्ली में रहा. स्ट्रीट प्लेस बहुत किए मैंने, आई थिंक 4000 के आसपास शोज किए थे. तो हर रोज ही करते थे, हर रोज 5-6 शोज करते थे हम लोग. कभी किसी कंपनी के लिए, उसका एडवर्टीजमेंट पहले तो होते नहीं थे इतने, तो हम लोग करते थे वो. और लेकिन कोई ख़ास पैसा वैसा मिला नहीं. फिर बॉम्बे आ गए, तो बॉम्बे में एक्चुअली मैं सीरियल्स करने के लिए आया था, टीवी सीरियल्स. तो उस वक्त पे शुरुआत जो थी वो बहुत ही ग्लॉसी सीरियल की शुरुआत हो रही थी. तो हमने सोचा हमें शायद काम मिल जाएगा, क्योंकि उससे पहले बहुत इस तरह के क्राइम के सीरियल्स ये वो सब आते थे. हमने वही सोच के आए थे कि उसमें शायद हमारे जो शक्ल है उसमें मैच होती है, वहाँ मिल जाएगा हमें. तो वो धीरे धीरे बंद हो गए और वो एकता कपूर के ग्लॉसी सीरियल्स आने लगे. और उसमें अगर किसी छोटे से किसी स्टेटस या इस तरह के कैरेक्टर की ज़रूरत हो तो वो उसके लिए भी 6 फुट का बॉडी बिल्डर चाहिए होता था. तो वहाँ पे भी हमारा जो है पत्ता वत्ता साफ हो गया, वहाँ पे भी काम नहीं मिला हमें. उसके बाद क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने चलो फिल्मों में ट्राई करते हैं कि एक सीन तो मिलेगा. तो बहुत टाइम के बाद फिर सरफरोश में वो एक सीन मिला. तो एक सीन मिला और उसके बाद किसी ने देखा कि ये सचमुच का क्रिमिनल है या कोई या ऐसे किसी एक्टर को बुलाया है. तो उस तरह के किरदार फिर बहुत सारे मिले मुझे. फिर अनुराग से मुलाकात हुई मेरी. तो अनुराग ने कहा कि अनुराग ने पूछा कि कुछ किया है काम. मैंने हाँ, सरफरोश में वो एक रोल किया था मैंने. तो कौन सा? मैंने वो एक जो आमिर जिसको ऐसे मारता है गोली मारता है. तो उसने कहा कि वो तू ही था? मैंने हाँ मैं ही था. तो लगा नहीं, तो मुझे लगा कि सचमुच पकड़ के लेके आए उसको किसी. तो एनीवे एक छोटा सा रोल था. शूल पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, तो शूल में एक मुझे वेटर का रोल मिल गया उसकी वजह से. तो उसने कहा भी कि वेटर का रोल क्यों कर रहा है, वो तो छोटा सा है, एक दो डायलॉग है. मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि रोल के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल जाएगा. 2500 रुपये मिल रहे थे वो, हालांकि बाद में आज तक नहीं मिले मुझे वो. बट मैंने किया वो. और फिर क्या हुआ, सिलसिला शुरू हो गया एक एक सीन का. किसी भी फिल्म का एक सीन होता था तो मुझे कॉल किया जाता था, मुझे बुलाया जाता था और मैं भी करता रहा. कम से कम 5 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ, यार मैं एक सीन का एक्टर होके रह गया हूँ, अब 2 सीन चाहिए मुझे. तो मैं जो भी कॉल करता था, मुझे एक सीन है नवाज भाई, बहुत अच्छा सीन है और मज़ा आ जाएगा. मैंने यार एक सीन मेरे बहुत हो गए, 5 साल से एक सीन कर रहा हूँ मैं फिल्मों में, अब मुझे 2 सीन चाहिए. 2 सीन है तो बता. तो बोले 2 सीन तो नहीं है. मैंने ठीक है कोई बात नहीं, जब कभी होगा तो बताना मुझे. तो नेक्स्ट सेशन शुरू हुआ 2-2 सीन का और 2008 तक मैंने किया. फिर नंदिता एक फिल्म बना रही थी फिराक, उसमें थोड़ा सा बड़ा मिला. ब्लैक फ्राइडे, उसमें थोड़ा सा और बड़ा मिला. मतलब सबसे बड़ा मुझे फिराक में मिला था. एंड देन फिर पीपली लाइव एक फिल्म बनी, उसमें और बड़ा मिला. फिर 2011 में 3 पिक्चरों में एक साथ काम मिला, उसमें तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिस लवली, इन 3 फिल्मों. उस 2000 के बाद और आज तक जिस तरह के रोल में करना चाह रहा था वैसे कर रहा हूँ. दिस इज द इन शॉर्ट स्टोरी. एक सीन से 2 सीन, 2 सीन से 3 सीन, 3 सीन से सब्सटैंशियल किरदार, वो चलते रहे. पर जो ब्रेक थ्रू रोल था जिससे एक
पैराजिम शिफ्ट हुआ आपके करियर में, वो ऑफ कोर्स था फैजल फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर. वो फिल्म आपको कैसे मिली और उस फिल्म से आपकी लाइफ एज एन एक्टर किस तरह से चेंज हुई? मैं अपने गांव में था और अनुराग ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक रोल है, जैसा तू चाहता वैसा है. मैंने जबकि कभी उसको अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं की थी कि मैं किस तरह का रोल करना चाहता हूँ. तो उसने कहा, मैंने कैसा रोल है, तू आ जा, जब तू आएगा बॉम्बे तो मुझे फ़ोन कर, मिलते हैं. मैं गया और उसने मुझे स्क्रिप्ट थमा दी सेकेंड पार्ट की. तो सेकेंड पार्ट में वो 5 पेज की स्क्रिप्ट थी. मैंने तो 5 पेज की स्क्रिप्ट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, डायलॉग वायलॉग तो है ही नहीं इसमें. बट मुझे लगा कि शायद कुछ एक एटीट्यूड वाला कुछ कैरेक्टर है, फैजल खान नाम है उसका भी. तो एनीवे हम लोग चले गए बनारस और शूट किया. पहला पार्ट शूट हो चुका था, सेकंड पार्ट के डायलॉग्स नहीं थे हमारे पास. तो अनुराग का स्टाइल है कि चलो आपका जो ये हॉस्टल का पीछे साइड में वहाँ पे एक शूट कर लेते एक सीन. मैंने कौन सा सीन? वो जो तूने बताई थी ना स्टोरी पुरानी अपने अपनी लाइफ की. मैंने हाँ वो ही शूट कर लेते. मैंने चलो, तो वो डायलॉग्स कुछ थे नहीं, इम्प्रोवाइज हो गया वैसे ही. फिर दूसरा सीन हो गया, तीसरा, ऐसे पूरा पूरा पिक्चर जो ना ऐसे कुछ डायलॉग्स लिखे हुए जो आइकनिक डायलॉग जो आज बोले भी जाते हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए थे. कुछ सीन्स थे जो नहीं थे. तो ऐसे ऐसे करते करते जो है सेकंड पार्ट बन गया. और फिर अजीत, सो इट्स इंटरेस्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर व्हिच इज हिज ब्रेक थ्रू फिल्म एंड हिज नेक्स्ट फिल्म इज मंतो. द वन थिंग दैट कनेक्ट्स बोथ दीज फिल्म्स इज वाईकॉम मोशन पिक्चर्स, द कंपनी दैट यू रन. वासेपुर वाज अ वाईकॉम फिल्म एंड सो इज मंतो. And besides these two films, Wycom has been a studio that's backed some extremely interesting films, whether it's Queen, Toiletic Prem Katha, Marycom. You know, a lot of these films that go beyond the purview of just entertaining and that actually make a statement about issues that are very relevant. In today's time, when we have a very educated audience, a very informed audience, how important is it to go beyond just entertaining and how important is it to make a statement like that with films? I don't know whether we look to make statements, but I think from the very inception what we've tried to do at the studio is try and sort of respond to the new age audience and try and see what can you do which is not been conventionally and traditionally done. So if you see Vasepur, what was special for us is when we looked at the script, at that time there were a lot of gangster films. And typically gangster means, or gangster films typically would be based in, of course, Bombay. What we found fascinating was here is a gangster film that actually was based in, you know, Vasepur. So I think one grain which runs through the DNA of the studio is to actually look for something either unusual or contrarian, or something which possibly may not be that obvious at that point in time. And I think that's what inspired us, and that's how the journey started. And you know, some of the conversations were, because film conversations typically tend to be headlined by stars, you know, so who's the star in the film? So we said Manoj Bajpayee, you know, and who's the, you know, and the other thing we did is actually we were the first one to come up with a sequel. You know, now of course sequels is become par for the course, but we were the first ones to come up with a sequel, I think within a few weeks, you know, so 1 and 2. And what actually happened is that it was one film, it was a 1 5-hour film which we spliced into 2 and released it as 1 and 2, you know. So I think we always tried to do, whether it's content, whether it's marketing, even in the film like Manto, the choice is to really try and break from a format, as you will see in the film. You know, Manto is most known for his short stories, and what the film has is beautifully the film's narrative changes from his life into his short stories. So those sort of who are familiar will possibly enjoy it much more. Very new format. We had done an unusual format of anthology stories called Bombay Talkies, you know, which now is seen in another form on Netflix called The Last Stories. So Nawaz incidentally featured in Anurag's story there as well. So I think trying different formats, trying different narratives, trying to offer something to the audience that's not very obvious in terms of a trend here and now
has been at the heart of what we've been doing, and that's what it's been sort of working for us. We hope to continue that way. Coming back to you, Nawaz bhai, with the exception of Mr. Salman Khan in his films, aajkal ke jo kirdaar hain films mein bahut realistic hain. आजकल के जो फिल्मों में किरदार होते हैं और उन किरदारों को निभाने के लिए एक एक्टर को ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक आम आदमी किस तरह से जीता है, उसके क्या मैनरिज्म्स होते हैं, उसकी सोच क्या होती है. तो एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, आप किस तरह से ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से उनकी साइकी और सोच समझने की कोशिश करते हैं? मैं उनके बीच में रहा हूँ. मैं ऑफ कोर्स जब मैं मेरे पास काम नहीं था तो काम भी था तब भी उनके बीच में रहता था, और जब काम नहीं था तो भी उनके बीच में रहता. जब हमारे पास काम नहीं होता तो बैठे हुए कहीं नाई की दुकान पर बैठे कहीं बैठे हुए तो उनका ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली चलता रहता था हम लोगों का. तो अगर मैं आप ही के बीच में से आया हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं आपके बारे में. जब मैं कोई रोल कर रहा हूँ आपका, मैंने आपको देखा हुआ है, आपकी क्या क्या, किस चीज़ पे आपको गुस्सा आता है, किस चीज़ पे आपको हंसी आती है, क्या क्या आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, एक ह्यूमन बीइंग की क्या, जो एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास से जो लोग आते हैं उनकी क्या क्या डिज़ायर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो सब मालूम है. तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है. मैं शीशों के महल में तो रहता नहीं, क्योंकि मुझे आम लोगों को ऑब्जर्व करना थोड़ा, अरे नहीं बाहर जाऊँगा तो थोड़ा पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कौन आ गया, एलियन आ गया क्या. मैं तो उन्हीं लोगों में से आया, उन्हीं लोगों को कैरेक्टर कर रहा हूँ. तो मेरे लिए ज्यादा कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होते इस तरह के. फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल देयर आर फोकस ग्रुप्स. ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपका आंखों देखा हो या आपकी जिंदगी से हो, जो आपने किसी फिल्म में यूज किया, कोई ऐसा सीन जो आइकॉनिक हो जो आप बताना चाहें? सी मैं हम बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में नहीं होते, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइक कि अगर ये मेरी लाइफ में होता ये सीन तो मैं कैसे रिएक्ट करता. यू नो आप इसको लाइक मेथड एक्टिंग भी बोल सकते हैं कि भाई मेथड एक्टिंग में मैजिक इफ एक टर्म होती है कि जो आपकी लाइफ में नहीं होती सिचुएशन उसको इमेजिन करते हैं आप कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता उस सिचुएशन को. तो इस तरीके से आप अज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को. Ajit, so with the era of OTT platforms, digital platforms like Netflix, Amazon, virtually everything, all sorts of content is available over the net today. And the factors like censorship don't really apply there. In today's time, with the advent of digital and with no holds barred kind of content that's available to us, how relevant is the concept of, let's say, the censor board? Or censorship in the true sense, is it relevant today with everything available? Or do you think it's time for the censor board to truly become just a certification board in the true sense? So facts first, is censor board relevant today? That's the law of the land. So it's absolutely relevant. Films have to go through it. But of course, censorship, censor board, I mean, today our films have to pass through the process of censorship. So it's very much this reality today. But I think clearly the better way to do, which has been discussed in industry forums with government for a long time, is really to move away from this into a rating system where you essentially leave the responsibility of choice to the audience and you say that, which is pretty much what you follow in the US. So it's a guideline and then you let the people choose, you know. So that's of course desirable. We always have been advocating that that's the route we should take. However, that's not the case as of now. So you do have to pass through a trial by fire in that sense, yes. Nawaz bhai, aapne 2.5-3 darzan filmein ki hai aur uske baad ab jaake aapka pehla digital show Secret Games aaya hai. Dono alag platforms hai, ek cinema hai, dusra digital hai. As an actor, kya farak rehta hai jo aap perform karte hain for the digital medium versus for cinema? Koi craft mein badlaav hota hai, kuch preparation alag hoti hai? क्या फर्क होता है? सी एज एन एक्टर तो कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि हमने तो बिल्कुल फिल्म की तरह ही शूट किया था. हमें कभी लगा ही नहीं कि हम लोग किसी एक वेब सीरीज का शूट कर रहे हैं. बट क्योंकि 8 एपिसोड थे हमारे पास, तो एक कैरेक्टर को जितना फिल्म में टाइम होता उससे हमारे पास बहुत टाइम था एक एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का. तो आई थिंक फिल्म्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं बिकॉज ऑफ सेंसर. हमारे पास
यहाँ पे ये नहीं कि क्योंकि इसमें सेंसर नहीं तो हम कुछ भी कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं था। वैसे इन्होंने किया कुछ भी है। खुद की एक लिमिटेशन, खुद की एक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें कहाँ तक जाना है, बट ऐसे ऐसे क्या बट एज एन एक्टर मुझे ये फायदा होता है, सभी एक्टर्स को ये फायदा होता है कि आप में भी नुआंसिस की वजह से, उसमें चाहे वो कुछ गालियां भी हों उसकी वजह से आपको कैरेक्टर इनहांस करने का मौका मिलता है, यू नो आप डीप में जा सकते हैं। नहीं, ये तो फैक्ट था कि हम लोगों के पास बहुत टाइम था ताकि हम कैरेक्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकें, इतना हमें फिल्म में नहीं मिलता। And responding to your earlier question, you know, you can relate to me as the guy next to Gayathonde. So we have to make films, we have to pass through all of these tough conditions while Gayathonde can do as he pleases. Talking of tough conditions, India as a market is full of diversity, whether it's cultural, whether it's religious, sects. It's a market full of people across, you know, all sorts of backgrounds. And when you make a statement or an observation or, God forbid, a film, it's very easy for us to offend some sect or some religion or some community. It's happened to you with Padmavat. And of course, with Sacred Games, 2 days after its release, there were court cases that were filed. How do you think, you know, should we manage to walk this tightrope? How do you think is this challenge of catering to the India market without trying to offend anyone can be tackled? I think if you look through the lens of who you will be offending, you cannot be a storyteller, you know. I mean, what are the famous lines from Milton, you know, he said, give me the liberty to know, to utter above all liberties. So you can't put such restrictions on storytellers. And if you put them, then you will get films like Iranian films. You can watch them, they are lovely films. And I look back at Padmavat, and people often ask me, but I look back at it as a very positive outcome at the end of the day, because despite all the challenges that were mounted on the film from the diverse society or the interest groups that you refer to, look at the outcome. The outcome was that the film played out, and despite all the threats or the security issues, you know, the institutions of the country fully responded. You know, the film clearly won the grounds in the court and the film was exhibited widely. People responded by coming to theaters. Now that's really the victory of freedom of expression, because not only the film is being screened, but people are also expressing themselves, embracing the film, coming out in theaters despite police vans outside. And it ultimately became a fantastic success. So, you know, the whole concept of freedom of expression assumes a highly evolved society where I will disagree with you, but I will defend your right to say whatever you may. It's a very advanced and a nuanced concept, and it's about keeping control over yourself even if you don't like what the other guy is saying. You know, it's not easy to do. So I think as a society we have to evolve to be able to come to that level where we can live that concept. But I think it's up to the institutions, and as we saw, I think it played out very well. And I think as individuals, which is what this film is all about, whether we have the courage to express ourselves freely, and you know, what are we doing in civil society? I mean, if there was one person who would not think, like if Panto was coming here, he would not ask the question, media hai kya? Facebook pe live streaming ho raha hai kya? You know, who is watching? Who's going to say what? No, he'll express himself. And I think, are we able to do that is something which story of this man actually brings alive. And talking of Manto, like you said, it's about a man who called a spade and wrote what he actually saw without bothering about whom it offends and how he rubs anyone the wrong way. We'd love to hear more about the film from both of you. About what? Manto. Manto. The film. आप ही अब बता दो थोड़ा सा उसके बाद।
look, it's a very important film, and when we started the film, I don't think we had even imagined that it will become so relevant today. You know, if at all, the last, you know, whatever 18 odd months that have passed while we were making the film, or almost 2 odd years, and if Nandita were here, she would have said 6 years, because she lived with it for a much longer time. I think the film has only become more and more important. It's a film that makes you introspect, as I was speaking just 2 minutes ago, that it raises the bar, to introspect and to say how many of us can live up to the standards of really speaking our mind, you know, and not worrying about the forum, not worrying about who's watching. I think this question, of course, has become more and more relevant today, in our civic society discourses. And I said, the format is very interesting. The film traces the life of the character, as well as showcases the literary work, which is his short films. And you get to see that to what extent this man was willing to go, what all he really staked, and what was he willing to give up to live to his principles. The other thing, of course, is the film has traveled very widely. It's already, featured in Uncertain Regard in Cannes. It's gone to Toronto. It's gone to Melbourne, Sydney. So it's already widely celebrated internationally. And in that sense, it's a very pedigreed film. And I think he'll tell you more about his experience as to how it was being Banto. 2013 में नंदिता हम लोग कान फिल्म फेस्टिवल में थे तो इवन रेड कारपेट पे नंदिता ने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ अबाउट मंटो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ मैंने तो जब बनाओगी मुझे बताना मैं करूँगा फिल्म तो बोले अभी बहुत ही रिसर्च कर रही हूँ मैं लेट्स सी देखती हूँ कब क्या होगा तो मैं वेट कर रहा था तो फाइनली उसने 3-4 साल के बाद वो वापस जब हम लोग मिले और उसने पूरा मुझे कैसे स्टोरी क्या किस तरीके से क्योंकि रिसर्च वर्क बहुत करना पड़ता है और हम मंटू की लाइफ को बहुत सारी लाइफ नहीं दिखाए हमने आई थिंक 4-5 साल उनकी लाइफ के जो क्रूशल डेज थे उनके वो दिखाए 4-5 साल हाँ तो करते हुए मुझे एक ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि इसको कोई मेथड इसमें यूज़ नहीं किया जा सकते जब तक तो खुद से आप ऑनेस्ट ना हो इस कैरेक्टर को करने के लिए तभी किया जा सकता इस कैरेक्टर को पहले आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा तो उस दौरान क्या हुआ कि मैं पूरा मैं किसी भी सामने बोलूँ तो बहुत कोशिश कर रहा था थोड़ा सच बोलूँ थोड़ा ऑनेस्ट होकर बोलूँ उसी दौरान मैंने एक बुक भी लिखी जो दिमाग में मेरा आ रहा था मैं सब बोलता चला गया फिर उसको बुक को मैंने बुक आई मार्केट में लेकिन इमीडिएटली मुझे विथड्रॉ करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा सच बोल दिया था मैंने तो एनीवे फिर फिल्म की शूटिंग हुई शुरू हुई और उसी जोन में था मैं तो थैंक गॉड फिल्म के लिए तो बहुत अच्छा वर्क किया वो ऑनेस्टी बट मेरी पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा ज़्यादा कुछ हो गया वही है कुछ मतलब जैसे मंटो ने भी कहा है कि सच मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ये बातें कि क्योंकि आई थिंक कभी कभी क्या होता है हर इंसान सच बोलना चाहता है अगर आप उसको थोड़ा सा वक्त दो ना कि यार बता बोल अपने बारे में बता यार तो मैं सच बता रहा हूँ कि अगर उसको ये महसूस हो गया उसको भी मालूम हो गया कि सामने वाला आदमी मुझे जज नहीं करेगा तो हर आदमी पता है सच बोलना चाहता है तो मंटो के अंदर वो डेयरिंग थी वो गट्स थे उसने उस टाइम में किसी की परवाह ना की वो सब कुछ लिखा जो देखा आज की डेट में तो कहाँ इतने ऐसे राइटर रह गए बहुत ही कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कंप्रोमाइज़ ये वो सब करते हैं अपने आप को कि नहीं मार्केट में जाएगी तो क्या मेरे पे क्या क्या लीगल केसेस हो सकते हैं क्या क्या हो सकता है दूसरे कम्युनिटी के लोग क्या कहेंगे ये वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है तो उसमें सच कहाँ आएगा सामने तो मंटो के अंदर वो खास बात थी और वही एक पॉइंट था उनके अंदर जो अट्रैक्ट किया मुझे जिसकी वजह से मैंने विदाउट एनीथिंग कि मैं इस फिल्म को करूँ कुछ भी हो जाए क्योंकि मैं रियल लाइफ में तो नहीं सच आप बाद मंटो के बाद में ठीक है मंटो से पहले और मंटो के बाद मैं उस जोन में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ मैं भी सच नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं उसके लेकिन एटलीस्ट इतना तो सेटिस्फेक्शन है कि 3 महीना उसकी शूटिंग चली तो 3 महीना
जितना ऑनेस्ट हो सकता था मैं थ्रू द कैरेक्टर उतना हुआ उतना किया अपने आप को. तो यहाँ आके एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है हम लोगों को. At the cost of making it sound like a blatant plug, the film releases on the 21st of September at a cinema near you. Please go for it. Moving on, Nawaz bhai, Manto ke baad, ab Manto, Faisal, Shiv, Gajra, ye sab characters hain jo ek writer ki imagination se nikalte hain. Par ab aap ek film kar rahe hain jo ek aisi hasti ke baare mein hai jise aapki generation ne, aapke pehle ki generation ne, aapke baad ki generation ne dekha hai. और अब स्वर्गवास हो गया है उनका, फिर भी वो लोगों के जहन में बहुत बड़े तरीके से जिंदा हैं, खास करके महाराष्ट्र में मिस्टर बाल ठाकरे. नाउ टू प्ले अ कैरेक्टर हुज बीन सो वाइडली सीन, हुज मैनरिज्म्स हैव बीन वेरी यू नो प्रोमिनेंट, हाउ डू यू प्रिपेयर टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट? क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत है जो जैसे मैंने कहा करोड़ों लोगों के जहन में है, और मतलब उस तरह की रोल को सही मायने में प्ले करना एक चैलेंज है. तो हाउ आर यू टेकिंग दैट ऑन? सी, दो तरह के वो हो सकते हैं, लाइक किसी एक पर्सनालिटी को पोर्ट्रेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, एक तो मिमिक्री की जा सकती है, जो वो बहुत इजी है, जो मिमिक्री आर्टिस्ट भी करते हैं. दूसरा ये है कि ऑफकोर्स चूंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है उनको, उनके यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है उनका, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको, 2012 में उनकी डेथ हुई थी, तो लोगों ने रियली लाइवली उनको देखा हुआ है. तो मेरे लिए ये था कि मिमिक्री भी ना हो, मिमिक भी ना करूँ मैं उनकी, और रियली उनको, उनका वो एसेंस, वो एटीट्यूड, वो बात करने का तरीका, वो थॉट, वो सारा ग्रैब भी करूँ, पकड़ूँ भी उसको, और वो मिमिक्री भी ना लगे. क्योंकि बहुत आसान होता है, बहुत सारी बायोपिक हमारे यहाँ बनती हैं, और आराम से आप पकड़ में आता है कि आदमी तो मिमिक्री कर रहा है उसकी, ईजीली पकड़ में आता है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली यही था कि उनका वॉयस, जो थोड़ा सा मेटेलिक साउंड था उनका, वो भी रखें, अपना भी ना कुछ जाप, अपने आप को भी रखूँ मैं उसमें, और वो मिमिक्री भी ना लगे. तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पे काम किया हमने. तो लेट्स सी, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए, चैलेंजिंग रोल था वो. अगेन, एट द साउंड ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट साउंड लाइक अ ब्लेटेंट प्लग, इट्स अ फिल्म दैट्स रिलीजिंग ऑन द 26th ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर, रिमेंबर दैट प्लीज. मूविंग ऑन, अजीत सर, off late, movies like Lunchbox, Manji, Newton have been finding a lot of traction at the box office, which maybe would not have been the case just about a decade ago. Do you think the sensibilities of the Indian audience are evolving? And if so, how exactly, what are the trends that you see that are coming into play now? Yeah, I think I often get asked this, and people tend to think that this is a content evolution. But before a content evolution, actually it's an evolution of distribution. You know, it doesn't sound very sexy, but the fact is this really happened because of the multiplexes. You know, you could actually do these films, you could segment the market because you had these 6-7 screens wherein you could play a mainstream film, and on the side you can segment the market and have a Newton play there. So of course, in a big country, the society won't be monochromatic, and there'll be various kinds of people and audience, you know, who would want various kind of stories. There were audience back then when Monsoon Wedding also released. Unfortunately, there was no multiplex, you know. So I think that's really what has contributed to this, and which is really the explosion of choice, and which manifests itself the most in the form of OTT, because there the segmentation is, you know, virtually the segment of one. So I think those things are really, so I think the more you solve distribution in media, content starts becoming even more segmented and even more sophisticated, you know, and I think really that's really the reason why the films that you refer to are finding audience, because there is a place where audience can consume them. Nawaz bhai, while you are doing these content rich, small budget, relatively niche films, साथ में आप बजरंगी भाईजान के किस्म की मास एंटरटेनर्स भी कर रहे हैं साथ में. How do you, as an actor, as an artist, आप choose कैसे करते हैं कि ये film करना है और ये नहीं करना है, इस तरह की film करनी है और इस तरह की नहीं करनी है, और दोनों तरह की filmों का आपके career पे as an actor क्या impact पड़ता है? See, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भाई ये मतलब मुझे अभी तक यही नहीं पता चला कि ये हमारे यहाँ बहुत जल्दी कैटेगराइज कर दिया जाता है फिल्म को, कि ये कमर्शियल फिल्म है, ये आर्ट फिल्म है, और ये पैरेलल फिल्म है, और ये
कंटेंट ड्रिवन फिल्म है और ये अभी आप देखोगे ना तो रियलिस्टिक फिल्मों के नाम पे भी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है. हम लोग जब वेनेसडे में थे तो हम हर तरह का प्ले करते थे. हम शेक्सपियर भी करते थे, हम मोलियर भी करते थे, हम पारसी थिएटर भी करते थे जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स होते थे, है ना. तो हर तरह की फॉर्म, फोक थिएटर भी करते थे, तो बहुत सारी फॉर्म्स होती थी उसमें. जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई, उन प्लेस से हमारी ट्रेनिंग हुई. अब फिल्मों में आके ये पता नहीं लोगों ने कैटेगराइज किसने अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए कर रखा है कि ये आर्ट फिल्म का एक्टर है, ये कमर्शियल फिल्म का एक्टर है, ये कमर्शियल फिल्म है, ये वो है. पता नहीं ये चीजें शायद यही है इंडिया में, बाकी यही सिखाते हैं, यहाँ सेगमेंटेशन सिखाते हैं. मेरे हिसाब से फिल्म दो ही तरह की होती है, एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है. मैं कभी ये सोच के नहीं जाता हूँ कि ये इस फिल्म में मुझे बहुत पैसा मिला है तो उसमें बहुत महंगी एक्टिंग करूंगा. और ये फिल्म लगने से ये फिल्म जैसे हरामखोर एक पिक्चर बनाई थी हमने, वो फिल्म मुश्किल से 60-70 लाख की फिल्म थी. और उसमें ये नहीं कि यार इसमें तो मुझे बहुत कम पैसा मिला और सस्ती फिल्म है, इसमें सस्ती एक्टिंग कर लूँ, ऐसे थोड़ा ना होता. Ajit sir, of course, you are one of their own. You are from the founding batch of ISB. As an ISB student, one of the from the founding batch to the generation that's going to come out of ISB by mid next year, your message to the bunch at ISB today? Message sounds like we are towards the end of it. I think, I mean, we lost the show. Okay, fine. So, I think this is the message is in the logo. I mean, you know, the birds which leave the Mother Earth and fly. I mean, go and take your own life. Go and take your own flight. You know, and I think the best time is this, when you guys can actually open up your minds, break all the molds. That's what happened with us. We came here with very different designs and ideas, and actually, when we left, we found very very different flights. So I think each of you is very unique. And as is this man sitting next to me, and you know, you have to really sort of look deep within, and I think this place does that to you. You know, you I think you receive the best education in forums such as this. When you meet people, we used to look forward to when people would come to talk to us, and I think those were the moments when you really introspect. I can sense some people are thinking right now, you know. And they're not thinking about the assignment that has to happen and whether they'll get that investment banking job and all of that. Fortunately for us, the tower crashed and we didn't have many investment banking jobs to distract us. So we could open our minds and, you know, do different things. I think this is a place where you break the mold and you really shape your own course. That's all I would say. You know, do crazy things, guys. Nawazuddin, Secret Games, which was your last big ticket thing that was seen, has clearly captured the imagination of India's youth. And of course, much anticipated now is the next season of Secret Games. Kahani nahi puchunga, but what can we expect from the next season of Secret Games compared to Secret Games 1? हम लोग जब अनुराग ने मुझसे बोला कि मैं करने वाले नहीं था एक्चुअली ये सीक्रेट गेम, बट अनुराग ने मुझे बोला कि कर, उससे ऊपर ले जाएंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर से ऊपर ले जाएंगे. तो मैंने ठीक है अगर क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हुए थे, फैजल 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 खान बहुत हो गया अभी. तो मैंने चलो ठीक है फिर करता हूँ. तो फिर हुआ वो, और हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे, क्योंकि मैं रोम में था, शूटिंग कर रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे इटालियन में भी बहुत बहुत देख रहे थे. हालांकि उनको कभी कभी पढ़ते थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, बट एंजॉय कर रहे थे वो लोग वहाँ पे. तो सेकंड सीज़न में जब मैं अनुराग से मिला था सेकेंड सीज़न के बारे में, उन्होंने बताया. तो अनुराग कैसे रहता है कि अभी फर्स्ट सीज़न तो कर लिया, अब सेकेंड सीज़न उससे भी ऊपर ले जाएंगे. नहीं, कैसे पॉसिबल हो सकता है.
बट अनुराग के साथ बाकी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है. नवाज भाई कुछ चंद शब्द कहूंगा, एक शब्द में या एक सेंटेंस में रिएक्ट टू दोज वर्ड्स. I'll see some words. And whatever is the first thing that comes to your mind, a word or a sentence, after those words. After the? कुछ शब्द कहूँगा मैं. हाँ. उनपे react कीजिए एक शब्द में या एक वाक्य में. Rapid fire. Time show मन में आए uncensored. हैं? जो मन में आए uncensored. ये आपके बीच में थोड़े आसान आसान से अर्नब गोस्वामी नहीं हूं, बिल्कुल आसान रहेगा. फैजल 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 अनुराग कश्यप. अनुराग कश्यप इज लाइक माय गर्लफ्रेंड वाइफ व्हाटएवर. Censorship. Yeah, you know, you can understand. Politics. Education. Education, of course. Must be. Film promotions. ये भी ऐसे ही है बस. हाथ जोड़ सब, अब तो सब हाथ जोड़ लेंगे प्रमोशन से. सोशल मीडिया. वाह माय गॉड, सोशल मीडिया की बहुत बहुत ही मतलब मतलब सोशल मीडिया सब किंग है, सब बने गए तुमने. इस बार इस वाले का जवाब सोच समझ के दीजिएगा. चेक काटने तो इससे पहले मैं क्या सोच समझ के नहीं दे रहा. सोच समझ के क्योंकि चेक काटने वाले बगल में बैठे हैं. माइकॉम मोशन पिक्चर्स. पुराना रिश्ता है. हाँ पुराना, ऑफ कोर्स पुराना रिश्ता है. इतनी सारी फिल्में हम लोगों का आगे भी चलने वाला है, इससे पहले से भी चल रहा है. तो हैदराबाद. आई लव हैदराबाद. मैं तो अभी सोच रहा था मैं घर यहाँ ले लेता हूँ, तो क्योंकि यहाँ से एक घंटे की दूरी पे बॉम्बे, तो हमें तो वहीं घर से जब मैं निकलता हूँ शूटिंग पे तो तीन तीन घंटे लग जाते हैं. बेटर है कि यहाँ पे रहूं. तो मैं सोच रहा हूँ अभी प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे अभी. आप जल्दी ये अमल में लाइए. फाउंडिंग बैच की सबसे बड़ी रिग्रेट यही है. अच्छा. जितनी फीस थी उतनी अगर हम लोग अच्छी बॉली में डाल देते तो. आखिरी वाला जो पूछना जरूरी है, गणेश गायतोंडे. गणेश गायतोंडे. गणेश गायतोंडे. कभी कभी लगता है ना. कही दीजिए. अभी मैं एक बंदा मेरे से सवाल कर रहा था कि आपने इतना ऐसे क्यों बोला, कभी कभी लगता है कि मैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं क्या. नवाज भाई कुकू का पता नहीं पर क्लियरली आपका जादू चल रहा है आईएसबी पे. और अब आईएसबी के स्टूडेंट्स जो हमारा ऑडियंस है विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क यू. So, can we have the questions from the audience going now? So, passing the mics logistically won't be feasible. We've got questions through Google Forms. I'll be reading out one by one. So, pehla question ye hai Madhav Singla ke taraf se. The question is, Manto ka humne sabne trailer dekha hai. Bahut hi difficult character hai aur aapne bahut hi bakhubi nibhaya hai. तो ये कैरेक्टर में घुसने के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया है, आपका क्या थॉट प्रोसेस था, और आप ऐसे टफ रोल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं. Okay. मंटो में मैं एक्चुअली घुसने वाला जो ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है घुसना. मतलब घुस जाता है ना आदमी तो निकल नहीं पाता है. बट मंटो के लिए प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि नंदिता ने 5-6 साल रिसर्च वर्क किया था उनको जो उसकी मंटो की हम एक एक चीज मतलब जो
बेसिकली डायरेक्टर की इमेजिनेशन पे जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया उसी पे हमने कैरेक्टर तैयार किया एक्चुअली. उनको ये तक मालूम था कि मंटो बैठ के कैसे लिखते थे, क्या क्या थॉट रहा होगा उनको, क्या सोचते थे, वॉक उनका, द वे ही टॉक, ऑफकोर्स लैंग्वेज पे कमांड है, कमांड था उनका, तो वो सारी चीज़ें उसी तरीके से उनके कहने पे प्रिपरेशन किया, जैसे वो चाहते थे वैसे ही किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिस्टर अजीत अंधारे. वाइल चूजिंग अ प्रोजेक्ट टू ग्रीन लाइट, हाउ सीरियसली डू यू कंसिडर एनी पोटेंशियल सेंसरशिप इशूज? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाइंड अ ग्रेट स्टोरी विच यू वॉन्ट टू मेक बट फील दैट इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल, वॉट्स द वन थिंग दैट यू टेक केयर ऑफ? So, I think at a very simple level, there is this whole principle of harm, which tries to sort of circumvent freedom of expression, you know. And I think that's what we think about, that is there a potential harm that this story will cause to society? Mostly the answer is no, and then we go ahead and make the film, you know. So yes, of course, there are practical considerations, and it's not that you sort of want to, you know, invite trouble. But as I said, you know, you can't place these burdens on storytelling. Otherwise, you will not be able to take the creative risks that we take. You know, and here we are telling Manto's story. So, next question. ये के Mr. Nawaz, आपने बहुत life में struggle देखे और वो सब से उभर के अब आप इतने बड़े star हैं. तो typical MBA question यही आता है कि next 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं कहाँ देखना चाहता हूँ अपना? तो मैंने कभी सोचा नहीं कि भाई ऐसा कोई मैंने टारगेट बना नहीं रखा. वायकॉम की फिल्म में तो होंगे? ऑफ कोर्स वायकॉम की फिल्म में 5 साल पहले भी था, 5 साल बाद भी रहूँगा. तो ऐसे कोई मैंने नहीं, वो स्पॉन्टेनियसली जो भी थॉट, जो भी डिसीजन लेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, काम करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अभिषेक. आपने थिएटर से शुरू किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम कमाया, और अब यहाँ पे डिजिटल मीडिया और इतना ज़्यादा टीवी थिएटर्स का वो आ चुका है, तो आपको क्या लगता है लाइव थिएटर्स का फ्यूचर क्या है और आप कहाँ देखते हैं उसे? थिएटर का, लाइव थिएटर, थिएटर का लाइव, लाइव प्लेस का? ये मैं सोच बताऊँ, मुझे 18 साल हो गए, 18 साल पहले मैंने लास्ट प्ले किया था, उसके बाद अभी तक नहीं किया. अभी मैं इन्जॉय कर रहा हूँ फिल्म्स, तो मैं अभी थोड़ा सा यू नो अभी उसी का मज़ा लेना चाहता हूँ. थिएटर के बारे में मैंने सीरियसली मैं इतना नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे और एक्टर हैं जो थिएटर करते रहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं.